साबरमती एक्सप्रेस वापस लौटती है। S6 कोच के साथ तो बहुत बड़ा हादसा होता है, 59 लोगों की मौत होती है। और उसके बाद पहली बार जब खबर गांधीनगर पहुंचती है मुख्यमंत्री के पास कि इस तरह का मतलब हादसा हुआ, तो मुख्यमंत्री का पहला फोन कॉल उनके जो PA है AP पटेल के फोन से, वो नहीं जाता DGP के पास, वो नहीं जाता बाकी मंत्रिमंडल के पास, वो जाता है जयदीप पटेल के पास जो VHP के जनरल सेक्रेटरी है। जयदीप पटेल वहां से निकलते हैं, गोधरा पहुंचते हैं। गोधरा रेलवे यार्ड में खुलेआम भीड़ के सामने वहां पे आक्रोश के साथ लोग खड़े हैं, गुस्से में खड़े हैं, क्योंकि लोगों को जलाया गया है, बच्चे हैं, बीवियां, महिला है। उस वक्त एक जिम्मेदार सरकार को क्या करना चाहिए, मगर खुले एक मैदान में रेलवे यार्ड में पोस्टमार्टम किए जाते हैं, पोस्टमार्टम के फोटो निकाले जाते हैं, वो पोस्टमार्टम के फोटो सारी देश और दुनिया में फैलाए जाते हैं, ताकि एक तरफ गोधरा का हादसा हर जिले में फैले और एक तरफ बदलाव का भावना पैदा किया जाए। ये भी दस्तावेज हमें दिखाते हैं। दस्तावेज में हमारे पास सबूत मिल गया है कि गांधीनगर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने खड़े होकर जयदीप पटेल को बुलाया अंदर, और जयदीप पटेल को गोधरा की लाश, मतलब गोधरा में जो कांड हुआ, गोधरा रेलवे कांड हुआ, वो प्रेत को शुद्ध, उस बॉडीज हैव बीन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ गोधरा टू अहमदाबाद, शुद्ध फ्यूनरल प्रोसेशंस हैव बीन अलाउड, शुद्ध मॉब्स हैव बीन अलाउड टू कंपनी द फ्यूनरल प्रोसेशंस ऑन द 20th। ये सब कड़वे सवाल हमने उठाए थे आपराधिक याचिका में। अभी हमें सबूत मिलता है दैट द बॉडी वॉज गिवन टू जयदीप पटेल, बॉडीज वर गिवन टू जयदीप पटेल टू टेक टू अहमदाबाद। किसी पुलिस ऑफिसर को नहीं दिए गए, किसी और को नहीं दिए गए, मगर जयदीप पटेल जो जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद है उनको दिया गया। उसके बाद जयदीप पटेल पहुंचते हैं 4 बजे सुबह 16 सिविल हॉस्पिटल में। 16 सिविल हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो वहां पे 3000 स्वयंसेवक खड़े हैं, भड़काऊ भीड़ है। 3-4 घंटे के बाद एक जज साहब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उनके ऊपर भी हमला होता है, मगर अहमदाबाद की पुलिस वहां पे कोई सहाय नहीं भेजती, 3 SRP के आदमी अकेले पड़ जाते।